बहुत कैची है सब कुछ जी। फिल्म का टाइटल आप देख लीजिए, ये है बकरापुर, फिर एक लाइन आप कहीं टैगलाइन दिखा पोस्टर में दिखती है कि यहाँ शाहरुख में अब दिखता है जी, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की लाइन है जो बहुत कैची अमूमन देखिए पैदा करती है जी। एक तो इट्स अ मार्केटिंग टूल विच वी आर यूजिंग। शाहरुख, सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि शाहरुख जो बकरा है वो वाकई में उसका असली नाम शाहरुख है। तो जब वो खरीदा गया था तो फिल्म में ओरिजिनल स्क्रिप्ट में बकरे का नाम शाहरुख नहीं था, ओरिजिनल स्क्रिप्ट में बकरे का नाम अब्बू था जो फर्स्ट ड्राफ्ट मुझे मिला था। लेकिन जब जानकी विश्वनाथन ने जानवर बाजार में बकरे खरीदने गए, जब हम मैं भी गया था उनके साथ दो बार, तो हमने देखा सभी बाजारों में बकरों का नाम सुपरस्टार्स के नाम पे रखा हुआ है उनके दाम के हिसाब से। तो 10,000 से ऊपर जो है उनका नाम शाहरुख, आमिर, सलमान है। जो 5,000 और 10,000 के बीच में है उनका नाम बी लेवल एक्टर्स पे। तो ये सच्चाई है, ये हमने बनाया नहीं है। और जानकी विश्वनाथन को जो बकरा पसंद आया और उन्होंने तकरीबन 300-350 बकरे देखे, उसका नाम बचपन से शाहरुख था, उन्होंने बेचा हमें शाहरुख कह के। तो जानवरों के साथ शूट करना बहुत मुश्किल होता है और ये बकरा सिर्फ शाहरुख के नाम पे रिएक्ट कर रहा था। तो इसीलिए हमने उसको बोला इसको शाहरुख ही बुलाएंगे। और तब उस दौरान ऐसा हो गया, और जानकी हमेशा बोलती हैं कि शी यूजेस शाहरुख एज अ मेटाफोर। ये बकरा एक सिर्फ बकरा नहीं है, इट्स अ मेटाफोर फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द कंट्री, कि हम कैसे कभी कभी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बढ़ावा दे देते हैं जिसकी वजह से वो इशूज़ बन जाते हैं। और कभी कभी देश में एक्चुअली बहुत सीरियस इशूज़ हैं जो कि हम दबा देते हैं क्योंकि उसको देखने में मज़ा नहीं आता है। तो फिल्म बहुत ही हसमुख तरीके से, इन अ वेरी टंग इन चीक वे, इन अ क्वर्की वे, टॉक्स अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट इट्स एंटरटेनिंग। एट नो पॉइंट डज द फिल्म प्रीच। सो इट्स अ पोलिटिकल सटायर विच हैज़ अ लव स्टोरी, विच हैज़ फ्रेंडशिप, लेकिन इट विल एंटरटेन यू। ओके, अमूमन जब भी इस तरह से किसी बड़े आर्टिस्ट का सुपरस्टार का नाम इस्तेमाल करा जाता है किसी भी लिहाज से, जी जी, बशर्ते वो चाहे भले से डायरेक्टर का या मेकर का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत पॉजिटिव रहा हो, जी, लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। जी जी, आपको किस बात का एज एन आर्टिस्ट? जी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। मतलब पहली बात तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि बकरे का नाम शाहरुख है, शाहरुख खान नहीं है। और उसकी दो ही वजह है, एक तो उसका वाकई में नाम शाहरुख है, दूसरा ये कि हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। जानकी बींग नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, उनको इस टाइप की, आप उन्होंने जिन फिल्म्स के लिए नेशनल अवार्ड जीता है आप देखिए उसका कंटेंट कितना स्ट्रांग है। और हम बहुत श्योर हैं कि हमारी पिक्चर का कंटेंट बहुत स्ट्रांग है। मामी में ऑफिशियल सिलेक्शन थी, कमाल का रिस्पॉन्स मिला था हमें, जिसकी वजह से हमें एक्चुअली और कॉन्फिडेंस मिला कि लोगों को इस टाइप की इंटेलिजेंट कॉमेडी पसंद आ रही है। फिर गोटेबर्ग में इंटरनेशनल प्रीमियर हुआ स्वीडन में, वहाँ पे भी फ्रॉम इंडिया वी वर दी ओनली ऑफिशियल सिलेक्शन। तो लोगों को पिक्चर पसंद आ रही है फ्रॉम द कंटेंट। और हम सब काफ़ी मैच्योर लोग हैं, हम समझते हैं, और हम सब बहुत बड़े फैंस एंड रिस्पेक्ट करते हैं। और हम टंग इन चीक वे भी उनका मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। और दुनिया में हज़ारों शाहरुख हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। हमने इसीलिए वी मेड श्योर कि हमने ये बात सब जगह क्लैरिफाई कर ली है कि बकरे का नाम, अभी हमने मान लीजिए किसी और बकरे को खरीदा होता उस जानवर बाजार से जो महंगा 10,000 प्लस का बकरा था, तो उसका नाम आमिर या सलमान होता तो कुछ और ही, फिर उसका भी एक उठाया जाता। तो इट वॉजन डन आउट ऑफ यू नो कंपल्शन। हमने जो बकरा खरीदा उसका नाम शाहरुख है, तो हमने इसीलिए शाहरुख, और शाहरुख एक्चुअली शाहरुख का मतलब होता है फेस ऑफ द किंग, और इस फिल्म में ये बकरा राजा है, ही इज अ रॉक स्टार। सो ऑन मेनी लेवल्स द नेम वर्क्ड, इसीलिए हमने चेंज करने की कोशिश भी नहीं की, कैंपेन में भी नहीं। और ये अपने नाम को काफ़ी सीरियसली भी लेता है, एक्चुअली काफ़ी चार्मिंग है अगर आपने इसकी फोटो खींची है या इसको शूट किया है। ओके।